इस बीच बड़ी जानकारी हज यात्रा को लेकर है। हज यात्रा के लिए जायरीन की रवानगी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर से रवाना हुए हैं हज यात्री, राजस्थान से भी जायरीन का जत्था रवाना। दिल्ली के अजिया एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना हुई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जायरीन की रवानगी की तस्वीरें। जायरीन का जो जत्था है वो रवाना हुआ, दिल्ली के अजिया एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना हुई हज यात्रा के लिए। जायरीन जत्था रवाना, श्रीनगर से रवाना हुए हज यात्री। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान से भी दिल्ली के अजिया एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना हो चुकी है। हज यात्रा के लिए जायरीन की जो रवानगी है वो शुरू हो चुकी है। राजस्थान से भी जायरीन का जत्था रवाना हुआ हज यात्रा के लिए। यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ और इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था आईजीआई हवाई अड्डे से रवाना हो चुका है। दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौसर जान ने कहा कि आज हम 2024 की पहली उड़ान 285 यात्रियों के साथ सुबह 2:20 पर मदीना के लिए रवाना होगी और सभी को बधाई उन्होंने दी। इस बीच देखिए, विदेश मंत्रालय भी लगातार नजर बनाए हुए है। हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। राजस्थान से भी जायरीन का जत्था रवाना हुआ है। राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से जो जायरीन का जत्था है वो रवाना हुआ। हज यात्रा के लिए जायरीन की रवानगी शुरू हो चुकी है। राजस्थान से भी जायरीन का जत्था रवाना हुआ, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना हुई है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सैयद तजम्मुल ने खास बातचीत की है हज यात्रा के लिए रवाना हुए जायरीन यात्रियों से। हाजी साहब, क्या माहौल है, क्या कहां से हैं आप? खुशी का माहौल है, दिल में जो अरमान था शायद वो निकल जाएगा, हम हज पर जाएंगे, ये सबसे बड़ी खुशी है। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ। तो जब सुबह घर से निकले थे बच्चों के लिए, क्या आपने आखिरी बार जब उनसे मुलाकात की थी हज से पहले क्या मांगा, क्या बोला? बस दुआ और कुछ नहीं, बाकी यहाँ अमन होना चाहिए, सब कुछ अमन ही है यहाँ के जवान। इंतजाम बहुत जरूरी, इंतजाम किस तरह से है? अभी तो हम चले गए, अंदर जाएंगे फिर देखेंगे। ये देखिए, ये वो काफिला है जो आज पहला काफिला होगा सफर महमूद पे रवाना हो रहा है, और रवानगी से कबल जो इंतजाम है आप देखिएगा कि ये बेमिना श्रीनगर का हज हाउस है जहां से आज जो है रोजाना बुनियादों पर जो है दो फ्लाइट जो है रवाना होंगी और उसके बाद यह सफर जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। और सफरी महमूद पे रवानगी का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हुआ और ये सिलसिला जो है ये आगे जारी रहेगा। और यहाँ से जो हुजाज किराम जिनका ताल्लुक जम्मू से हो, सलाम अलैकुम, जिनका ताल्लुक जम्मू से है, ट्रैफिक पुलिस क्या इंतजाम कर रही है? काफी सारे इंतजाम है हमारे और हमारे जितने भी ट्रैफिक के हवाले से हमारे जो मैंने रास्ते में पूरे हमने बंदोबस्त किया हुआ है सर, तो कोई ऐसी खामी नहीं रहेगी सर। आप फर्ज भी अदा कर रहे हैं और मुसलमान होने का इफ्तिखार हासिल है, ये शोहर, ये जो आपको दोहरी जिम्मेदारी मिलती है कितना पूरा मन है? पूरे हम इत्मीनान के साथ ही हम बखूबी इंतजाम, ये क्या हो गया वो इंतजाम को हतमी लाते हुए हम इसको भरपूर अंजाम तरीके से, आसान तरीके से अंजाम लाएंगे सर। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑफिसर बशीर साहब ये बता रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का जो विंग है वो न सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है बल्कि अंदर आने जाने के लिए जिन इंतजाम को जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स ने जो है, होमगार्ड डिपार्टमेंट, ये वो विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का जो लगातार इसमें अपना फर्ज जो है वो अदा कर रहे हैं। दरअसल होमगार्ड डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि इस हज हाउस में जो हाजियों को जो लवाजमत पूर्ण करने हैं, जो इंतजाम करने हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। बेमिना श्रीनगर के हज हाउस से ये आपकी तस्वीरें आज की है, पहला फ्लाइट जो है, पहला काफिला जो है वो आज यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। इमसाल जो है कश्मीर से 7,000 से जायद है जबकि मुल्क में 1,00,000 से जायद हुजाज किराम जो है वो इस साल हज की सआदत जो है वो हासिल करेंगे। और बेमिना में जो इंतजाम हैं, देखिए ये इंतजाम चूंकि इन्हें यहाँ रुकने ठहरने का इंतजाम किया गया है, उसके बाद यहाँ से जो इनकी गाड़ियां हैं, जो इनका काफिला है वो सीधा एयरपोर्ट रवाना होगा। और एयरपोर्ट रवानगी में जो बाहर के जो इंतजाम हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से किए गए हैं। और जिस वक्त आप पैरामिलिट्री फोर्स, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं
वो अपना इश्तराक कर रहे हैं। न सिर्फ ये पुलिस की जिम्मेदारी है बल्कि होमगार्ड का विंग है, ट्रैफिक पुलिस का विंग है, क्राइम ब्रांच का विंग है, इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स में उस तरफ के जो इंतजाम है, चूंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव स्टेट है और कोई भी जो चीज़ है उसको हल्के से नहीं लिया जा सकता, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो उन्होंने अपने मोबाइल बंकर्स वगैरह जो है यहाँ पर खड़े कर रखे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए। की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे श्रीनगर से, रिपोर्ट देख रहे थे सरिता जम्बुल की, जो बता रहे कि किस तरीके से इंतजाम वहां पर हैं, जो जायरीन रवाना हो रहे हैं उन जायरीन के लिए क्या इंतजाम हैं, दूसरा वहां पर और क्या कुछ मैनेजमेंट है। देखिए 2024 की अगर बात करते हैं तो 1000 से भी ज़्यादा, मतलब अभी फिलहाल की अगर पहले जत्थे की बात करते हैं तो लोग रवाना हो रहे हैं और लगभग 1,75,025 जो तीर्थयात्री हैं वो 2024 हज कोटे के तहत में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। 9 मई से देश के अलग अलग राज्यों से हज के लिए फ्लाइट्स ने पहली उड़ान भर ली है। जैसा भी हमने जिक्र किया कि देखिए श्रीनगर की तस्वीर आपने देखी, फिर राजस्थान से जो जायरीन हैं उनकी रवानगी हो रही है, इस तरीके से अलग अलग राज्यों से अभी शुरुआती दौर में 9 मई से देश के अलग अलग राज्यों से हज की फ्लाइट्स ने उड़ान भर ली है।